फिर तुम यहाँ? पग फेरे की रस्म में सब लोगों ने हमका तोहफे दिए, पर आप कुछ नहीं दिए। हम तो इमली को सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन आनंद सिंह राठौर की बीवी को देने के लिए हमारे पास है क्या? एक चीज है जो हम सिर्फ आप हमका दे सकते हैं, एक इंटरव्यू। 2018 में हुए राठौर फार्मा फैक्ट्री हादसे के बारे में हम आपसे इंटरव्यू चाहते हैं, प्लीज दे दीजिए। कमाल है, तुम आज भी अपने लिए नहीं आनंद सिंह राठौर के लिए कुछ मांगने आई। जो आदमी हमसे बेमतलब की दुश्मनी मांगता है, हम उसकी मदद क्यों करेंगे? गलती कर दी है ना, ये एक बार हम सोच रहे हैं कि शायद आप ये बार अपन बारे में नहीं हमरे बारे में सोचे, अपन नहीं। आपको हमार चुका हुआ सर नहीं दिखा, हमारी बिनती नहीं सुनाई दी, आपसे इतने बखत बात कुछ मांगे कि घबराहट नहीं फील हुई। अगर आपको कुछ दिखा ना तो वो था आपका स्वार्थ, कुछ सुनाई दिया तो था वो नाम जो हम लिए भी नहीं, और अगर कुछ फील हुआ तो जब जलन पड़ी गए। अब हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब हम इतना समझ गए कि आपके पास आकर ना आपका सिर्फ बेइज्जती मिली है। थैंक यू। रुक जाओ, हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकते। जो सबूत तुम ढूंढ रही हो वो हम कल तुम्हारे सामने जला चुके हैं, लेकिन हमारे पास तभी कुछ है। इसमें कुछ फोटोज हैं जो हमने उस दिन खींची थी, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। इमली, Are you okay? हाँ, वो हम आदित्य सर से। तुम इतना घबरा क्यों रही? इमली बस हमसे कुछ काम की बात करने आई थी मिस्टर राठौर। आई होप आप हमें देखकर इनसिक्योर नहीं हो गए। इनसिक्योर तो आप हो जाते हैं मिस्टर त्रिपाठी, हम दोनों को एक साथ देखकर। अपनी फैमिली के लिए पगफेरी की रस्म में भी नहीं बैठ पाए। मुझे ना तो आपसे कोई सफाई चाहिए ना इमली से। यू सी, आई ट्रस्ट माई वाइफ। इमली, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो आ जाना, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूं। मुझे ना तो आपसे कोई सफाई चाहिए ना इमली से। यू सी, आई ट्रस्ट माई वाइफ। तुम कुछ कह रही थी? मैं हथौर फार्मास्यूटिकल कितनी बड़ी फैक्ट्री रहे, कर्म का हुआ काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट मिल जाए तो हम सब लोगों से बात कर पाएंगे। और लिस्ट है कहाँ? जीजा जी के कमरे में रजिस्टर, कंप्यूटर, कोनो जगह तो लिस्ट की फाइल हुई है वहां। ये घर में हर कमरा तो ऐसा चमकता है कि हम फर्श पे देखकर बिंदी लगा लें।
ये कमरे में इतनी धूल कहाँ है? ऐसा फैला हुआ कैसे है? किया है तुमने, किया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो इमली, तब से कुछ भी पहले जैसा रहने नहीं दिया तुमने। मेरी मेरी लाइफ सिंपल थी, मेरा मकसद क्लियर था, मेरा फोकस साफ था, लेकिन जब से तुम आई हो सब कुछ कॉम्प्लिकेट करके छोड़ दिया तुमने। क्या चाहती हो तुम? मैं अकेला था, मेरे आसपास कोई नहीं था इमली, लेकिन अब जहां देखता हूं सिर्फ तुम दिखती हो मुझे। क्या पढ़ू मैं तुम्हें? सब कुछ क्यों चेंज करना है तुम्हें? हर दरवाजा क्यों खोलना है तुम्हें इमली? ये मेरे चीजों का कमरा है, आर्यन सिंह राठौर के परमिशन के बिना यहां हवा तक नहीं आती, और तुमने इतनी आसानी से दरवाजा खोल दिया और अंदर भी आ गए इमली। सब कुछ बदल के भी छोड़ दिया तुमने। हाउ डे यू? सॉरी, अब नहीं जानत रहे कि कमरे में सामान नहीं, तुम जीजा जी की यादों को संजो कर रखे हो। हमको बिल्कुल नहीं बता रहे कि दरवाजे के पीछे खाली कमरा नहीं है, तुम्हारा दर्द छुपा है। हम सच मानो, हम ना तो तुम्हारे दर्द को छेड़ के छात्र नहीं, जीजा जी की यादों को। सॉरी सॉरी, काम कुछ और सोचे नहीं हम। सिर्फ ये सोचे कि कमरे में आकर हम यहाँ आए तो हमें सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचे। तुम सच में ही कमरे में कौन को नहीं आए थे? नहीं, दीदी को भी नहीं, किसी को नहीं मिली। खुद तो हम आगे बढ़े के इतने तरीके सिखावा तो, पर खुद इतनी बात नहीं समझा तो कि बिना दरवाजा खोले कौनो आगे नहीं बढ़ सका। Really? तुम भी कहां मूव ऑन कर रही हो इमली, आगे बढ़ रही हो? कब से एक इज्जत पकड़कर बैठी हो कि आदित्य कुमार त्रिपाठी बेकसूर है, बेगुनाह है। आज तक मैंने तुम्हें सब कुछ करने दिया है, लेकिन ये बाउंड्री तुम्हें नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी। You should have done this. तुम यहां कुछ नहीं बदल सकती, you understand that? कुछ नहीं। Now, इस कमरे में जो जैसे था सब कुछ वैसे वापस रख दो इमली। पहले फैला रहे, तुम चाहते हो कि हम सारा सामान फिर से फैला दें? हम कैसे कर सकते हैं?
ऐसा कैसा करिए, हम सिर्फ अपन काम करे खातिर यहां काम कर रही थी। राइट, तुम तो करो अपना काम। तुम एक जर्नलिस्ट हो इमली, और एक जर्नलिस्ट को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमेशा तुम्हारे पास ये डायरी, ये फोन, ये कंप्यूटर्स नहीं होंगे। यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट? मसल मेमोरी। डिग इन टू दैट। याद करो, फोकस करो, कौन सी चीज कहां थी, एंड देन गो कीप इट बैक। कमरे में आने की गलती दोबारा मत करना इमली। यहां जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और तुम मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन सकती, ना मेरी जीत, ना मेरा मकसद, और ना ही मेरा, और ना ही तुम्हार। ये तीसरी बात उतार रहे हैं। पर हम काम कैसे करें? फैक्ट्री में काम करे वाले कर्मचारियों की लिस्ट वो कंप्यूटर में रही, जॉन तुम पटक दिए, तोड़ दिए, अब हम क्या करिए? लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन पाने का तरीका सिखाई दिया है।